लेकिन वाबस्तगी आज आके सूफीज्म की ठहरती है तो पंजाब से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का भी ताल्लुक, बिल्कुल उस्ताद राहत का, शेर अली मेहर अली का, और इस तरह के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक फैसाबाद से है, बिल्कुल, और पंजाब से ही ये निकल के आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया में छा जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। अच्छा, इसको ट्यून किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चपटियां लगी हुई हैं, इन्हें आप टाइट करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी इनको लूज करते हैं, तो इसके पीछे क्या राज होता है, किस तरह से इसे ट्यून करते हैं? ट्यून का होता है, इसके साथ एक हैमर होता है इसका, इसे ट्यून करने के लिए। तो जैसे एक हमारे एक दिमाग में एक जैसे कहते हैं, जैसे कैफियत कहते हैं, एक असर कहते हैं, वो हमने एक प्रैक्टिस कर करके हमारे एक माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारा लहजा एक हो, ये ना हो कि आप ज्यादा ऊंची बोल रहे हैं, मैं आपसे भी ज्यादा ऊंची बोल रहा हूँ, वो माहौल खराब होता है। म्यूजिक का भी सिलसिला एक ऐसे, जब तक ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, सिंगर का आवाज, इसका आवाज, इसका आवाज एक जैसा ना होगा तो तब इसका असर नहीं होगा, और ये ऊपर नीचे गाते रहेंगे और ऑडियंस जो है वो महसूस नहीं हो पाएगी, नहीं होगा, उसकी कैफियत भी तारी नहीं हो सकती। और ये हर सिंगर की वॉइस टोन के हिसाब से आप इसे ट्यून करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, जिस नोट पे उसने गाना है हमें उसे करना पड़ेगा उस नोट, क्योंकि इसके बरक्स अगर देखा जाए गिटार को जब आप ट्यून अप करते हैं, जो मेरा नाकस इलम है, तो उसको सिंगर की आवाज की बजाय सुरों के हिसाब से ट्यून किया जाता है, और तबले को हम म्यूजिशियन की आवाज के हिसाब से ट्यून करते हैं, इसमें कोई थोड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा? ये जो गिटार होता है, गिटार का हर चीज का सुर एक ही है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी है उसमें सुर एक ही है, और नोट्स भी सेम है, नोट्स भी सेम है। ये तबला है, तबले में भी वही सारे गामा पा है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की एक लैंग्वेज का जो है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज है उसकी, तो जो ट्यून है गिटार उसका भी सुर एक ही है, हारमोनियम का भी सुर एक ही है, तबले का सुर भी एक ही है, लेकिन उसे अगर हम ये देखें कि आप कह रहे हैं कि डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं होता, वो एक सुर पक्का किया जाता है जिससे एक नोट होता है सारे गामा पा, जैसे उसे एक नोट को लिया जाता है, एक नोट को फिक्स किया जाता है कि यहाँ पे सिंगर ने अपना गाना स्टार्ट करना है, हजारों गाने यानी वो वहाँ पे गा दे एक सुर से, तो तबला भी वहाँ पे ट्यून होता है, गिटार भी वहीं पे ट्यून होती है, हारमोनियम भी वहीं पे ट्यून होता है, होता सारा अपनी वोकल के हिसाब से ही है, कुछ नहीं अलहदा होता। ठीक है, आपने अब तक किन किन सिंगर्स के साथ परफॉर्म कर लिया? मैं बजाता हूँ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बिजनेस है अपना, तो इसलिए। अच्छा, यानी ये शौक बिजनेस से हट, शौक मैंने रखा हुआ है, ये है जनाब शौक की बात, और कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, इसकी मिसाल जीती जागती आपके पास है, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे के रोज जो है हम एक वायलिन बजाने वाले जो हैं, एक बड़े आर्टिस्ट, बड़े कलाकार को बुलाएंगे, उनका ताल्लुक भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से है और डायरेक्टर हैं वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वायलिन बजाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौक की वजह से, और बड़े मशहूर हैं, तो शौक का मोल कोई नहीं ये कहा जाता है। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, देखिए नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको कायदा सुना रहा हूँ, कायदे के बोल हैं, ये कायदा है पंजाब घराने के उस्ताद हुए उस्ताद अलारका खान साहब, इंडिया से बिलोंग करते हैं, पुराने बुजुर्ग थे, ये उनकी बंदिश है।
उस्ताद देवेंद्र सिंह जी से सीखी, जो इंडिया से मेरे उस्ताद जी हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ये सिखाई है। ये पूरब घराने की है, इंडिया से घराना, पूरब घराना इसे कहते हैं पूरब बाज का कायदा। तक धेड़े नग, तक धेड़े नग, धेड़े नग, तिट तिट घे घे तिट, घेड़े नग तेड़े नग, तक तेड़े नग, तक तेड़े नग, तेड़े नग, तिट तिट घे घे तिट, घेड़े नग। अच्छी तरह से आपने म्यूजिक को निभाया और मेरे ख्याल में ये वो बेसिक्स हैं जहां से इंसान सीखना शुरू करता है, तबले को या हारमोनियम को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी कंपोजिशंस किस तरह से आप बनाते हैं? मतलब ये तो बेसिक्स हैं, अगर कोई गाना या कवाली आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कंपोजिशन म्यूजिक की किस तरह से बनाते हैं आप? सुरों के साथ किस तरह से मतलब मैच करते हैं म्यूजिक को, इस हवाले से भी बताएं थोड़ा। उसकी कंपोजिशन, अगर एक कोई कवाली है उसकी कंपोजिशन बनती है पहले, तो उसका एक रिदम पैटर्न रखा जाता है, उसका एक सर्कल रखा जाता है 16 बीट्स का या 12 बीट्स का या 4 बीट्स का। कवाली अक्सर होती है 4 बीट्स में। हाँ, जो पूरी कवाली उसी के गिर्द घूमती है, उसी के गिर्द घूमती है। तो हर चीज का एक अलहदा पैटर्न होता है, उसकी लैंग्वेज अलहदा होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसकी सुनाई तबले की जो थी, तो कवाली के जो हैं बीट्स उनका एक सिस्टम अलहदा है, उनकी लैंग्वेज भी और है, उनके बीट्स भी और हैं। तो अगर हम उसे लेके जाते हैं, जैसे हमारे कल्चर में, हमारे सूबे में, हमारे बलोचिस्तान में, पंजाब में एक और सिस्टम है, कहीं और चले जाएं इंडिया में चले जाएं कवाली का, वहाँ पे और सिस्टम है। यानी उसका रिदम पैटर्न का जो तरीका है वो अलहदा अलहदा है, तो उसकी लैंग्वेज भी अलहदा है। तो मैं अभी आपको सुनाऊंगा जो हमारे पंजाब में जैसे बजते हैं, जो बलोचिस्तान में जैसे बजता है, जो इंडिया में बजता है, जो यूरोप कंट्रीज में जो बजता है, वो भी आपको सुनाऊंगा। जी जी, जरूर जरूर पेश करें। अच्छा, ये पाउडर का क्या अमल दखल होता है इसमें? पाउडर का अमल दखल ये होता है कि हाथ आपके इस पे जमते नहीं है, ये फिसलते नहीं है। हाँ। जम जाते नहीं, फिसलने चाहिए, यानी हाथ के साथ जमने नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबसे पहले आपको पंजाब का सुनाता हूँ, जो जी, हमारे पंजाब का कल्चर है। जी जी, जी।
बहुत खूब बहुत खूब। पंजाब का अब आपको सुना रहा हूं मैं जो सिंध में बजता है। बहुत खूब। सिंध का अब आपको सुना रहा हूं जो खैबर पख्तूनख्वा में बजता है। अच्छा क्या बात है, ये आप तमाम सूबों की तर्जमानी कर रहे हैं म्यूजिक के साथ। अब आपको सुनाते हैं जो बलूचिस्तान में बजता है। अच्छा बात है जनाब, क्या बात है। ये तो हमारे पाकिस्तान का, और अब आपको सुनाते हैं जो यूरोप कंट्रीज में जो बचता है। अच्छा, जाके ठीक, पैटर्न यही है, टाइम साइकिल भी यही है, उसकी टाइमिंग वही है, कितना टेम्पो है उसका वही है, लेकिन वहां पे उसकी जाके शक्ल चेंज हो जाती है। शक्ल चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपको सुनाऊंगा जो अरेबियन बीट्स हैं, है वो भी 4 बीट्स है, लेकिन चल यही रहा है, यही चल रहा है, लेकिन वहां पे उसकी जाके एक शक्ल चेंज हो गई है। वो क्या है सुना रहा हूं आपको।